पटना जिला के फुलवारी प्रखंड के ढिबरा पंचायत के फतेहपुर प्राथमिक मध्य विद्यालय में रास्ता न होने के कारण 80 बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कत परेशानी है? सर, दिक्कत यही है कि यहाँ रास्ता का समस्या ज़्यादा, जबकि कई बार मीटिंग हो चुका है लेकिन रास्ता नहीं बनता है। हम लोग को भी आने जाने में दिक्कत होता है और लड़कन को। हमारा पेंसिल रबर 3 माह का जो बरसात का जो समय होता है ना, उसमें बहुत परेशानी हो जाती है। किस तरह की परेशानियां होती हैं? परेशानी हो जाती है आने में, जाने में। अभी तो सूखा हुआ है, किसी कहीं खेतारी से या कहीं तरह से चल आते हैं, लेकिन बरसात में सब लोग पानी हो जाता है तो तुरंत तुरंत के आना पड़ता है, पानी में हेलकर आना पड़ता है। खास करके बच्चों लोग के ज़्यादा हो जाता है, और ये छोटा बच्चा होता है पहला क्लास का, उन लोग को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। कहीं बच्चा पे वो इतना पानी हो जाता है कि उसका भर कमर की पानी हो जाता है। ताने एवं गालियां सुनने पड़ते हैं। रास्ते की समस्या के कारण बच्चे खेत के आरियों पे चलने पे मजबूर हैं। आरियों से स्कूल जाते समय पिछल कर गिर जाते हैं। ये समस्या को लेकर आप लोग ने कुछ किया है? हाँ, इस समस्या का तो हम लोग करते ही रहते हैं। जब अभिभावकों का बैठक होता है तो इस पर हम चर्चा करते हैं, और यहाँ के लोकल जो बॉडी क्या हुए वार्ड सदस्य हैं, ये लोग जो प्रतिनिधि हुए हैं, इन लोग से चर्चा भी किए हैं और बात को रखा भी जाता है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसका निदान निकाला जाएगा। इस तरह का आश्वासन मिला है, पर अभी तक तो कोई समस्या का हल नहीं हो पाई है। इसी तरह से ऐसे भी लिख लेना है 500 2। वीडियो देखने वाले सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 9435589863 पे कॉल करके दबाव बनाएं। मैं मनोज, जिला पटना, इंडिया अनहट के लिए।